घुमेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर बेरूल गांव के पास अवस्थित है। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार की गई है। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उनकी कोई संतान न थी। उनके कहने से सुधर्मा ने सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से शादी कर ली। उसके उदर से एक पुत्र हुआ जो दोनों बहनों को बड़ा प्यारा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उधर अचानक सुदेहा के मन में ईर्ष्या होने लगी कि मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे पति पर भी इसने अधिकार कर लिया है। कुछ वर्षों बाद वो लड़का जवान हो गया, उसकी शादी भी हो गई। एक दिन सुदेहा ने सोते समय लड़के को मार डाला और तालाब में फेंक आई और घर पर आकर विलाप करने लगी। घुष्मा प्रतिदिन की तरह पूजा पाठ में लगी रही और हमेशा की तरह पार्थिव शिवलिंगों को उसी तालाब में डालने चली गई। देखा कि उसका बेटा तालाब से निकलकर आ रहा है। सदा की तरह वो घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। इसी समय भगवान शिव भी वहीं प्रकट हुए और घुष्मा को वर मांगने के लिए कहा। तब सुदेहा की घिनौनी करतूत से क्रोधित हो उठे, जैसे त्रिशूल से उसका गला काटना चाहते हों। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उससे अक्षम्य पाप हुआ है। मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए सदा यहीं पर वास करें। भगवान शिव ने उनकी बातें स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घुष्मा के आराध्य होने के कारण भगवान शिव घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।